बैत अल मुक़द्दस से खबर शामिल करते हैं, जहां पर इसराइल ने रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में यहूदियों समेत तमाम गैर मुसलमों के मस्जिद अक्सा में दाखिला पर पाबंदी आयद कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत का कहना है कि अमन अमान और बाहमी रवादारी के लिए ज़रूरी है कि इस तजवीज़ पर इस साल भी अमल किया जाए। गुज़श्ता वर्ष इस तजवीज़ से काफ़ी फ़ायदा हुआ था। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दाखिला बेन गवीर ने इस तजवीज़ की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि यहूदियों पर साल में कभी भी मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उन्हें इबादत से कैसे महरूम रखा जा सकता है। रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में गैर मुसलमों के मस्जिद अक्सा में दाखिला पर पाबंदी के मामले पर मस्जिद अक्सा के कस्टोडियन अर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम ने अहम किरदार अदा किया था।